फिल्म्स में हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ उरी फिल्म के कलेक्शंस के बारे में। 10 दिनों के कलेक्शंस के बारे में बताऊंगा, इंडिया के बारे में बताऊंगा, साथ ही मैं इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सोचोगे मैं मजाक कर रहा हूँ लेकिन बिल्कुल सच है। जी हाँ, अगर बात करें फर्स्ट वीक की 70.94 करोड़ तक का कलेक्शन हुआ इस फिल्म का फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक की बात करें, आई मीन वीकेंड ही खत्म हुआ यानी कि सेकेंड फ्राइडे संडे और सेकंड फ्राइडे को इस फिल्म में 7.66 करोड़ का कलेक्शन किया था और सेकंड सैटरडे को यानी कि अपने ये 13.24 करोड़ और संडे को 17.06 करोड़। टोटल कलेक्शंस 108.90 करोड़। आई एम अगेन रिपीटिंग 108.90 करोड़, यानी कि 109 करोड़ के आसपास इसने कलेक्शन कर लिया है सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में। तो यही कहूंगा, हाउस द जोश। जी हाँ, हाउस द जोश। ये जो एक डायलॉग है, सिर्फ डायलॉग नहीं है, एक सीने में एक जिंदा दिली भरने की, एक जोश भरने की, आई थिंक ये बहुत अच्छा डायलॉग है ये। और ये फिल्म भी बहुत ही कमाल की है। सिर्फ ये फिल्म ही कमाल की नहीं, इस फिल्म से जुड़े हुए हर कोई लोग कमाल के। इस फिल्म का जो डायरेक्टर आदित्य धर, उन्होंने जान डाल दी इस फिल्म में। और ये फिल्म आपको इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत की गई है, कॉस्ट्यूम से लेकर ड्रेसिंग से लेकर हर एक जो औजार है, जो बंदूक है, वो सब काफी हद तक बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से यूज किया गया है। सर्बिया में इसके ज्यादातर एक्शन सीन सभी एक्शन सीन्स वहां पे शूट हुए, तो बहुत फिल्म में मेहनत की गई है। उस फिल्म में जो मेहनत है उसे एक्टिंग से और बढ़िया बनाया गया है, चाहे वो परेश रावल साहब की एक्टिंग हो, चाहे वो हमारे वी कौशल जो मेन लीड है उनकी एक्टिंग हो, इसके अलावा इस फिल्म में यामी गौतम उनकी एक्टिंग हो, कृति कुलहरी उनकी एक्टिंग हो, या बाकी और जो कैरेक्टर्स उनकी एक्टिंग हो, लाइक सैल्यूट बनता है यार फिल्म। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, मेरे जो दोस्त है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, वो आज फिल्म देखने गए थे अपने 11वें दिन और उन्होंने कहा फिल्म हाउसफुल थी। नाइट शोज देखने गए, इवनिंग वाला जो शो है 7-8 बजे का, वो शो देखने गए थे और शो हाउसफुल था और वो भी मुंबई के इनोबिट मॉल में। तो ये हाल है इस फिल्म का, किसका, उरी का, अपने 11वें दिन का। और ये एक अकेली या फिर बहुत ही मुश्किल होता है ऐसा किसी फिल्म को कर पाना, या फिर कहा भी जा रहा है कि एक अकेली लौती फिल्म बन चुकी है आई थिंक बॉलीवुड में हाल फिलहाल में, जिसने पहले वीकेंड से ज्यादा बड़ी कमाई तीनों दिन की सेकेंड वीकेंड में। जी हाँ, पहले 3 दिनों की जो कमाई थी उससे ज्यादा ही कमाई हुई सेकेंड वीकेंड की। सो दिस इज सर्टेनली ए ग्रेट फिल्म और ओवरसीज में इसे 22 करोड़ तक का कलेक्शन, ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। सो आई कैन ओनली से एट द एंड ऑफ द वीडियो हाउस द जोश। तो यही कह सकता हूं क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी है एंड दिस इज द फर्स्ट बिगेस्ट हिट आई कुड से ऑफ 2019, यानी कि साल 2019 बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ है। मैं चाहता हूं इसी तरह से बढ़िया बढ़िया बॉलीवुड फिल्में दे तो बॉलीवुड का नाम बहुत आगे बढ़ेगा, हमारे इंडियन सिनेमा का नाम बहुत आगे बढ़ेगा। और उरी ने बहुत रुलाया है, बहुत हंसाया है, बहुत पावरफुल करवाया है एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म एंड एवरी पर्सन नीड टू वॉच दिस फिल्म। एंड ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया अच्छी चल रही है इसलिए इतने बढ़िया कलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। दिस फिल्म हैज बीन एक्सेप्टेड ऑल ओवर इंडिया एंड दिस इज वॉट ए गुड फिल्म इज। चलिए फिलहाल कितना ही, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो हमें इंडिया की आई मीन बॉलीवुड की फर्स्ट 100 करोड़ की फिल्म मिल चुकी है इस साल की, आप कितने खुशी जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल कितना ही।